हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसआर सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज हम वीडियो में सीखने वाले हैं, हमारा रूम में कूलिंग कम होता है, यानी कि एसी इंडोर आउटडोर सब कुछ चलता है, प्रॉपर चलता है, लेकिन हमारे रूम में जो है कूलिंग लो होता है, बहुत कम होता है, या बहुत देर के बाद कूलिंग होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा हमारा इंडोर। अगर इंडोर भी एयर फिल्टर जो रहता है वो भी साफ है, क्लीन है, या आउटडोर भी चल रहा है, इंडोर चल रहा है, तो लो कूलिंग हो रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा, और हम कैसे आइडेंटिटी करेंगे जो बिना हमारे पास गेज अगर नहीं है तो हम कैसे पहचाने इसमें गैस कम है या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। ये वीडियो में ये सब जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर जानने सीखने को मिलेगा। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग भी ये वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस बेल घंटी को भी साथ में दबा दे, क्लिक कर दे, जिससे हम कोई सा भी दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिले और इसका लाभ उठा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते रहेंगे हमारा जो है इंडोर वगैरह सही है, आउटडोर भी चल रहा है नॉर्मल, देख सकते रहेंगे ये हमारा भी देख सकते हैं डक्टेबल एसी है या स्प्लिट एसी भी हो सकता रहेगा। हमारा जो है इंडोर फिल्टर वगैरह चेक कर लेंगे सही है, तो हमारा आउटडोर में भी चेक कर लेना है, आउटडोर में आएंगे चेक करेंगे। इस तरह से आप देख सकते रहे हमारा सक्शन और डिस्चार्ज पर लाइन है, यहाँ पर हम इसे चेक कर रहे हैं तो हमारा ड्राई हो, यानी कि इसमें जो कुछ ठंडा वगैरह ज़्यादा फील नहीं हो रहा है और डिस्चार्ज भी ज़्यादा कुछ गर्म नहीं हो, सक्शन भी ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें इसमें गैस कम है। अगर इस तरह से आपको मिल महसूस हो रहा है इसका हम पहचानेंगे, इसका गैस कम है ये पहचान है। दूसरा आप एसी हमारा देख सकते रहेंगे, यहाँ पर देख सकते चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सक्शन वगैरह आप देख सकते कितना शूटिंग है, पानी से ज्यादा नमी देख सकते हैं और डिस्चार्ज भी गर्म है, तो इसका हम इसमें गैस सही है, गैस प्रॉपर है। इसमें जो हमारा प्रॉब्लम यही है कि देख सकते इसमें रिटर्न वगैरह नहीं आ रहा है, डिस्चार्ज वगैरह भी गर्म नहीं है इस तरह से, इसका मतलब इसमें गैस कम है। गैस कम अगर रहेगा तो एक कंडीशन में आता है, यानी कि सक्शन वगैरह हमारा ड्राई रहेगा या बैक प्रेशर हमारा इस तरह से नमी नहीं आएगा। इसको श्योर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से हम चेक आपको चेक करते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा जो हमने बताया सही है गलत है। यहाँ पर हमने सक्शन प्रेशर देखा, यहाँ पर देख सकते रहेंगे हमें कितना दिख रहा है, यहाँ पर हमें 35 दिख रहा है, यहाँ पर 35 PSI दिख रहा है, यानी सक्शन प्रेशर जो है बैक प्रेशर जिसे कहते हैं वो हमारा 35 है, जिसकी वजह से लो गैस है, यानी गैस जो है इसमें कम है, जिसके वजह से हमारा डिस्चार्ज भी ज़्यादा हीट नहीं हो रहा था और रिटर्न भी हमें प्रॉप नहीं मिल रहा था, और यहाँ पर सक्शन लाइन पर जो हमें नमी नहीं आ रहा, फ्रस्ट नहीं हो रहा था, कारण यही है इसमें गैस लो है। अगर गैस लो रहेगा इस तरह से होता है, गैस अगर ज़्यादा हमारा प्रॉपर है 60 है तो हमें नमी वगैरह आएगा। तो यहाँ पर देख सकते रहेंगे यहाँ पर पाइप पे देख सकते रहेंगे कुछ बबल वगैरह नहीं है, गैस ऐसा नॉर्मल फील हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते रहेंगे सब कुछ हमारा चेक किया है, तो यहाँ पर सक्शन हमारा देख सकते रहेंगे यहाँ पर 35 है और डिस्चार्ज हमारा 150 PSI है। वापस इसमें हमें गैस टॉपअप करेंगे, गैस टॉपअप करने के लिए सिलेंडर में इस तरह से हम एक पाइप यहाँ से जो इन होता है लगा लेंगे और इसको चालू करेंगे, चालू करने के बाद उसके भी यहाँ पर पर्ज कर देना है, यानी कोई सा भी गैस रहेगा उस समय पर्ज करना जरूर रहता है, क्योंकि पाइप में जो रहता है हमारा एयर रहते हैं, जो बाहर हवा रहता है सादा एयर रहते हैं, वो हमें सिस्टम में जाएगा तो हमें ब्लॉकेज करेगा, प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए हमें जो कभी भी यहाँ से वाल वगैरह खोलते हैं या गैस टॉपअप करते हैं चार्ज करते हैं तो उसमें हमें जो है इस तरह से पर्च कर लेना चाहिए। वापस यहाँ से वाल खोल करके यहाँ से हम देख सकते हैं वाल खोलें, गैस हमारा जा रहा है यहाँ से, गैस हमारे देख सकते हैं सक्शन लाइन का जो गेज वहाँ से फुल हो गया है, डिस्चार्ज लाइन का भी लगा हुआ है, सक्शन और डिस्चार्ज हमने दोनों लगा दिया है, देख सकते रहेंगे सक्शन लाइन में हमारा भी फुल है, शोध कर रहा है, यानी सुई जो नीडल वाल नीडल जो है हमारा फुल शो कर रहा है हमने, क्योंकि गैस टॉपअप कर रहे हैं चालू किए हैं। तो कुछ इस तरह से भी से आप जो है गैस टॉपअप कर सकते हैं। इसमें लीक हुआ है गैस तो आप कभी भी जो है लीक होता है तो उसको श्योर कर लें, चेक कर लें किस तरह से कहां पर लीक हुआ है, नहीं तो दोबारा गैस निकल जाएगा। हमने इसको पहले चेक कर लिया था, इसमें हमें वाल में लीक मिला था, वो शायद हम आप लोग को नहीं दिखाएंगे, उसका हम दूसरा वीडियो बना देंगे किस तरह से लीक चेक करते हैं। इसमें हम यहाँ पर नॉर्मल देख सकते रहेंगे, यहाँ पर गैस हमने डाला है, यहाँ पर पहले कभी भी आप गैस टॉपअप करेंगे तो उसको लीक चेक कर लें क्यों कमी हुआ है। यहाँ देख सकते हैं हमने गैस डाला है, गैस हमने यहाँ पर डाला तो अभी हमें 50 PSI आ गया है, यहाँ पर देख सकते रहेंगे पहले हमारा 35 था, 35 से भी हमारा 50 PSI आ गया है, और इसमें हमें गैस टॉपअप करने की आवश्यकता है, गैस डालने की आवश्यकता है। तो वापस और हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर सक्शन लाइन पर भी देख सकते रहेंगे सक्शन लाइन हमारा किस तरह से यहाँ से फ्रॉस्ट चालू हो गया, यानी कि हमारा बैक प्रेशर है वो हमारा 50 तक आया, 50 तक आते ही देख सकते रहेंगे यहाँ पर नमी आ गया है, चालू हो गया है, और साइड ग्लास में भी देखेंगे तो यहाँ पर गैस भी आ रहा है, पास हो रहा है, बबल शो कर रहा है, यानी गैस हमारा आ रहा है।
तो कुछ इस तरह से प्रोसेस रहता है या फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारा जो एसी में सिस्टम है, हमारा लो कूलिंग हो रहा है, सबसे पहले हमारा इंडोर में मोड अगर चेक कर लेना चाहिए, हमारा टेम्परेचर कितना सेटिंग है, उसके बाद एयर फ्लो वगैरह चेक कर लेना चाहिए, एयर फ्लो हमारा सही है कि नहीं है, उसका एयर फिल्टर चेक कर लेना चाहिए, एयर फिल्टर हमारा सही है कि नहीं है, सब कुछ क्लीन है। तो आउटडोर में आकर के इस तरह से हमें गैस वगैरह भी चेक कर लेना चाहिए, यानी कि हमारा कंप्रेसर फैन सब चल रहा है तो हमें गैस चेक कर लेना। गैस आप इस तरह से देखेंगे तो मालूम होगा जो हमारा सक्शन वगैरह ठंडा है, या सक्शन पाइप को पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे तभी हमें फील कर सकते हैं ठंडा है कि नहीं है। तो अभी देख सकते रहेंगे यहाँ पर हमारा जो है 60 60 के ऊपर है, थोड़ा गैस है, 60 के ऊपर थोड़ा गैस है, यानी बैक प्रेशर, ये हमारा गैस अभी नॉर्मल हो गया है, बैक प्रेशर भी देख सकते ठंडा है, ये चिल हो गया है, रिटर्न भी देख सकते शूटिंग भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा ओके हो कंडीशन में हो गया है। तो कभी भी इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आपका कूलिंग लो है अंदर, अगर रूम में हमारा जो है ठंडा कम है तो आप बाहर आएंगे आउटडोर में चेक करेंगे हमारा फैन वगैरह कंप्रेसर वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो हमें सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को इस तरह से पकड़ना है, सक्शन लाइन को आप पकड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें हवा चेक कर सकते हैं हमारा हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमारा हवा जो है हीट नहीं फेंक रहा है, गर्म नहीं फेंक रहा है, तभी भी हमारा प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि समझ सकते हैं हमारा जो कूलिंग कमी है, यानी गैस का कमी है, गैस हमारा प्रॉपर नहीं रहेगा तो हमारा कंडेंसर भी हीट नहीं होगा और रिटर्न भी जो हमारा सक्शन लाइन है पाइप है वो ठंडा नहीं होगा, जिसे हम बाहर से ही बिना गेज लगाए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा देख सकते रहे कुछ इस तरह से हमने आप लोगों को पहले भी हाथ से पकड़ नॉर्मल चेक किया था, यानी ड्राई था, उस कंडीशन में हमारा ठंडा गैस कम था तो हमने वापस गैस चार्ज किया है, तो हम देख सकते हैं नमी आ गया है तो हम यहाँ साथ लगा रहे हैं तो हमें ठंडा फील हो रहा है। तो आप कभी भी इस तरह से आप पाइप को पकड़ेंगे तो आपको फील होगा, यानी कि सक्शन वाल जो हमारा ठंडा होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए और डिस्चार्ज है गर्म होना चाहिए, ये हमारे अच्छे कूलिंग की गैस की निशानी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा गैस सही है कि नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ जानने सीखने को मिला है, अगर आपको कुछ जानने सीखने को मिला है, पसंद आया वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, और इसी तरह से हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको ऑन कर दे, जिससे और भी तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके, आप लोग भी नए टेक्नीशियन नए लोग का हेल्प जरूर करें। हम आप लोग के लिए हेल्प के लिए एक चीज़ और बता देते हैं, आप कौन से एरिया में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, अपने एरिया का आप हम अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं और अपने एरिया का जो है हमें एड्रेस दे सकते हैं, जिससे हमारे पास बहुत से लोग कॉल आते हैं, जैसे एसी फ्रिज वाशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए, आप क्या चीज़ रिपेयर करते हैं, आपको क्या चीज़ मालूम है, तो अपने एरिया का एड्रेस दे दीजिए, हमारे पास अगर कॉल आता है आपके एरिया का तो हम आपके पास ट्रांसफर कर सकते हैं, आपके पास बता सकते हैं, कस्टमर को नंबर दे सकते हैं, बात करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ जानने सीखने को मिला रहा, हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।